जय हिंद दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ आर्मी जनरल ड्यूटी की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर, जिसमें हम 15 जीके, 15 विज्ञान, 15 गणित और 5 रीजनिंग के प्रश्न हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये मॉडल पेपर आपके आने वाले आर्मी एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेगा। इस मॉडल पेपर में दो भाग हैं। इसका दूसरा भाग जिसमें मैथ और रीजनिंग है, वे मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना पहला सवाल है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम। ठीक है, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक राज्य, और भारत का सबसे बड़ा थोरियम का जो उत्पादक राज्य वो है केरल। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडार कहाँ पर है? केरल के अंदर। अगला सवाल है अपना, इलाहाबाद यानी अब इसका वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्ला खान। ठीक है, तो जो अल्फ्रेड पार्क है उसके अंदर कौन शहीद हुआ था? ऑप्शन नंबर सी अपना सही है, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अल्फ्रेड पार्क के अंदर। सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की मीनार किस देश में है? ठीक है, पीसा की मीनार या पीसा की झुकी मीनार भी बोल सकते हैं इसको। चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्पेन, इटली, फ्रांस, इराक। जो पीसा की झुकी मीनार है कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है, इटली के अंदर। इटली का एक शहर है पीसा, ठीक है, वहाँ पर यह मीनार है और ये झुकी हुई मीनार है। ठीक है, थोड़ा झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, तो सती प्रथा का उन्मूलन ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर है, लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा किया गया था। और इन्होंने किसके साथ मिलकर यह प्रयास किया था? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के साथ इन्होंने ये प्रयास किया था और इन्होंने सती प्रथा को बिल्कुल बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चार ऑप्शन दे रखे हैं, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। ठीक है, तो अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी उम्र चाहिए? 30। और जो अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो लोकसभा के सदस्य के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, और अगर विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हो तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष ही चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष उम्र न्यूनतम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ह्युंडई मोटर कार कंपनी किस देश की है? ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और चीन। ठीक है, तो देखो ह्युंडई एक कार कंपनी है जो कार बनाती है। ठीक है, और ये एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है, ह्युंडई किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। और अगर होंडा कंपनी की बात करें, ठीक है, होंडा कंपनी की बात करें तो होंडा जो कंपनी है वो जापान की है। ठीक है, होंडा किस देश की है? जापान, और ह्युंडई दक्षिण कोरिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हिना सिंधु किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, निशानेबाजी, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, तैराकी। ठीक है, तो हिना सिंधु का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर है, हिना सिंधु निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कामायनी किस लेखक की कृति है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। ठीक है, तो जो कामायनी के जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे, के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी ऑप्शन है विक्रम सेठ। ठीक है, तो मरणोपरांत यानी मरने के बाद किस व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। मरने के बाद सबसे पहले किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, दूसरे प्रधानमंत्री, पीएम, ठीक है, सेकंड पीएम थे। इनकी डेथ के बाद इन्हें
ये पुरस्कार दिया गया था, और 1966 के अंदर, ठीक है, 1966 के अंदर इनकी डेथ हुई थी और इसी के बाद इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है अपना, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, गुलाब, गेंदा, कमल और लिली। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा, कमल। ठीक है, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। और अगर कमल का वैज्ञानिक नाम पूछे तो कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। अगला सवाल है अपना, घाघरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी और महानदी। ठीक है, तो घाघरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा, घाघरा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकादौड़ किस पर्व से संबंधित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पोंगल, उगादि, ओणम, बिहू। ठीक है, तो ये नौकादौड़ का जो आयोजन होता है वो हमेशा ओणम त्यौहार के समय होता है। ठीक है, ओणम भारत के एक राष्ट्रीय त्यौहारों में एक है जो केरल का है। ठीक है, केरल में ये हर साल मनाया जाता है और इसी त्यौहार के अवसर पर नौकादौड़ का आयोजन भी वहाँ किया जाता है। अगला सवाल है अपना, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी कौन सी है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कारगिल, लेह, श्रीनगर, गिलगिट। ठीक है, तो अभी 2019 के अंदर नया केंद्र, दो नए केंद्र शासित राज्य बने थे, एक तो कश्मीर, ठीक है, और एक लद्दाख, जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े करके ये दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो भारत में राज्य पहले 29 थे, अब हो गए 28। इन दो नए केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ, ठीक है, अगर कश्मीर की राजधानी पूछे तो कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और अगर लद्दाख की राजधानी पूछे तो लद्दाख की राजधानी कौन सी है? ले, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। ठीक है, तो दमदम हवाई अड्डा जिसको अभी बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा भी बोलते हैं, और ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, दमदम हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध पर्वतीय क्षेत्र ऊटी किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो ऊटी किस क्षेत्र में स्थित है या किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा, ऊटी किस राज्य में है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा है? शिमला। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के अंदर बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर है दार्जिलिंग। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना, शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंदर है। सेकेंड पार्ट है अपना विज्ञान का, जिसमें 15 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कपड़ों पर लगी स्याही के धब्बे को हटाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मिट्टी का तेल, चूना, एसिटिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो अगर कपड़ों पर स्याही के धब्बे या किसी जंग के धब्बे लग जाए तो उसके लिए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा, किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का, डी ऑप्शन नंबर अपना सही है। अगला सवाल है अपना, क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कार्यिकी, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी और वर्गीकी। ठीक है, तो विज्ञान की वे शाखा जिसके अंदर पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर है, पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंदर विज्ञान में पर्यावरण से संबंधित जितने भी है उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी गैस को संपीड़ित करने पर, ठीक है, जब किसी गैस को संपीड़ित करते हैं या उस पर दबाव डालते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, केवल दाब बढ़ता है, केवल ताप बढ़ता है, दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं, या दाब बढ़ता है और तापमान घटता है। तो अगर किसी भी गैस को अचानक संपीड़ित करेंगे तो उसमें दाब और तापमान दोनों ही बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा, दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? ठीक है, यहाँ दे रखा है नहीं है, ऑप्शन दे रखे हैं, तांबा, लकड़ी, चांदी और सोना। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसके अंदर विद्युत चलती नहीं है? सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत चलती है, तो यहाँ पूछा सुचालक नहीं है तो जिसमें विद्युत नहीं चलती है। ठीक है,
तो क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा, लकड़ी के अंदर विद्युत नहीं चलती है, तो विद्युत का सुचालक कौन नहीं है, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश जिन छोटे छोटे कण से मिलकर बना है उसे कहते हैं, चार ऑप्शन दे रखे, प्रोटोन, परमाणु, पॉजिट्रॉन और फोटोन। ठीक है, तो लाइट जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है उनको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा, फोटोन। ठीक है, और इस फोटोन की खोज की किसने की थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण या विसरण। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोने की मशीन आती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, ऑप्शन नंबर अपना सी सही आंसर हो जाएगा, अपकेंद्रण सिद्धांत पर। ठीक है, या फिर दूध से जो क्रीम निकालने की मशीन आती है, ठीक है, दूध से क्रीम निकालने की जो मशीन आती है वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती है, अपकेंद्रण सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। ठीक है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ठीक है, और अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तीनों का समझ में आया, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस या कोशिका का शक्ति गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारी जल क्या है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, H2O, दूसरा ऑप्शन दे रखा है H2O2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है D2O और चौथा ऑप्शन दे रखा है CH2O। ठीक है, तो भारी जल किसको बोलते हैं, D2O को भारी जल बोलते हैं, D2O। D2O की फुल फॉर्म क्या है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ठीक है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24 है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन। तो ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। और कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अगर धातु की बात करें तो पारा। ठीक है, पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, लौंग क्या है, चार ऑप्शन दे रखे, तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्तियां या सूखे हुए फूल। ठीक है, तो लौंग क्या होता है, लौंग सूखे हुए फूल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा, लौंग क्या है, फूल है लेकिन सूखे हुए फूल है वो। अगला सवाल है अपना, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूरोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। तो विज्ञान की वे शाखा जिसके अंदर मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, अगला सवाल है अपना, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, यकृत, मस्तिष्क, गुर्दा और गला। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क के अंदर पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, और मस्तिष्क के अंदर एक और पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, जो सबसे छोटी ग्रंथि भी है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि भी कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर ही पाई जाती है ये। अगला सवाल है अपना, निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 0 डिग्री पर वायु में, 100 डिग्री पर वायु में, जल में या लकड़ी में। ठीक है, तो ध्वनि की चाल, देखो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में और सबसे कम होती है गैस में। ठीक है, और गैस में जो ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, मतलब अगर टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ गया तो ध्वनि की चाल, देखो अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 0.61 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ती है। ठीक है, अब 100 डिग्री बढ़ा तो मतलब 61 मीटर बढ़ जाएगा, तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल हो जाएगी लगभग 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जल के अंदर ध्वनि की चाल होती है 1500 मीटर पर सेकेंड।
और देखो इसमें ठोस क्या है, लकड़ी, ठीक है, ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि चलती है, तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा किस में चलेगी, लकड़ी के अंदर, और वैसे ध्वनि सबसे ज़्यादा चलती है स्टील के अंदर, ठीक है, स्टील के अंदर ध्वनि की चाल होती है 5000 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है अपना, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, ठीक है, मायोपिया एक बीमारी है, किसको बोलते हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, दूरदृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता और रतौंधी, ठीक है, तो मायोपिया बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को, इसमें जो प्रयुक्त होने वाला लेंस है वो है अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस का इसमें प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना, हाशिए गैस या लाफिंग गैस का सूत्र क्या है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, NO, N2O, NO2, N2O3, तो लाफिंग गैस जो हंसाने वाली गैस है उसका सूत्र क्या है, ठीक है, तो लाफिंग गैस का सूत्र है ऑप्शन नंबर बी, अपना सही आंसर हो जाएगा N2O, इसको हिंदी में बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O का पूरा नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो हंसाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है N2O। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करो, हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी ऐसे का फ़ायदा हो जाए जो इन क्वेश्चनों तक नहीं पहुँच पाया है कभी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत।